हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिल्मी फार्ट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म जुड़वा 3 के बारे में। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं जुड़वा अवतार में। और जैसा कि आपको मालूम है कि टाइगर श्रॉफ इसके पहले कई एक्शन मूवीज कर चुके हैं, बागी 1, बागी 2, बागी 3, हीरोपंती। ऐसी मूवीज करने के बाद में अब टाइगर श्रॉफ करने वाले हैं कॉमेडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें कि जुड़वा 1 जिसमें सलमान खान ने एक्टिंग करी थी, वो मूवी 90s की बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साजिद नादियावाला ने जुड़वा 2 की मेकिंग करी, जिसमें वरुण धवन को कास्ट किया और वरुण धवन ने भी इस मूवी को एक सुपरहिट मूवी बनाई। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साजिद नादियावाला जुड़वा 3 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इस मूवी में ना वरुण धवन होंगे ना ही सलमान खान होंगे। सूत्रों की माने तो साजिद नाडियावाला ने टाइगर श्रॉफ को इस मूवी में कास्ट करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अब टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे एक बहुत ही कॉमेडी और मजेदार किरदार में, क्योंकि इसके पहले उनने बहुत सी एक्शन मूवी करी हैं, पर यह उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल होगा क्योंकि इससे पहले कॉमेडी टाइगर श्रॉफ ने कभी नहीं की है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि साजिद नाडियावाला सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड का भी सिक्वल बना रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है वांटेड 2, और इस मूवी में भी वो टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने वाले हैं। फिलहाल वांटेड 2 की भी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है। ये मूवी साल 2021 में रिलीज हो सकती है। जुड़वा 3 मूवी की कास्टिंग अभी चल रही है। इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ में कौन सी हीरोइन नजर आएगी, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि शायद कृति सेनन और सारा अली खान को इस मूवी में कास्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी और बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब किए हमारा चैनल फिल्मी फार्ट।